इंडिया ने दर्ज की छोटी दिवाली पर बड़ी जीत। जी हां, भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को 66 रनों से हराया और टी20 वर्ल्ड कप में अपना जीत का खाता खोल लिया। लेकिन इस जीत के बाद भी सेमीफाइनल की राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैंस जो हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या टीम इंडिया अभी भी सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे टीम इंडिया अब भी सेमीफाइनल का रास्ता जो है वो तय कर सकती है। पहले टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में जीत का खाता नहीं खोला था, लेकिन अफगानिस्तान को हराने के बाद भारतीय टीम ने जीत का खाता खोल लिया और रन रेट भी बेहतर कर लिया, क्योंकि भारत ने 66 रनों से अफगानिस्तान की टीम को मात दी है और टी20 इंटरनेशनल में 66 रनों की जीत जो है वो एक बड़ी जीत मानी जाती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि टीम इंडिया सेमीफाइनल का रास्ता कैसे तय कर सकती है और कैसे इस जीत ने टीम इंडिया की राह को थोड़ा सा ही सही लेकिन आसान जरूर कर दिया है। देखिए, दरअसल टीम इंडिया को अगर सेमीफाइनल का रास्ता तय करना है तो अगले दोनों मुकाबले जो कि भारत के नामीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ हैं, इनमें भारत को बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। वो जीत इतनी बड़ी होनी चाहिए कि भारत का रन रेट जो है वो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड से बेहतर हो जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि इसके बाद भी एक पेच है। इसके बाद एक पेच ये है कि 7 नवंबर को अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला होना है। उस मुकाबले में भारतीय दर्शक ये चाहेंगे कि अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को हरा दे। अगर आप पॉइंट्स टेबल देखेंगे तो पॉइंट्स टेबल में अभी जो है अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो 4-4 अंकों के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर है। भारतीय टीम 2 अंकों के साथ चौथे नंबर पर है। अगर भारतीय टीम अपने दोनों मुकाबले जीत लेती है आगे के, तो भारत के हो जाएंगे 6 पॉइंट। वहीं अगर अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को हरा देती है तो अफगानिस्तान के भी हो जाएंगे 6 पॉइंट। वहीं अगर न्यूजीलैंड की टीम जो है वो नामीबिया को हरा देती है तो न्यूजीलैंड के भी 6 पॉइंट हो जाएंगे। तो ऐसे में नेट रन रेट जो है वो प्ले में आएगा और टीम इंडिया यही चाहेगी कि अगले दोनों मुकाबलों में वो अपना रन रेट इतना बेहतर कर ले कि वो इन दोनों टीमों को रन रेट के मामले में पीछे छोड़ दे, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे न्यूजीलैंड हो, तभी टीम इंडिया जो है वो सेमीफाइनल का सफर तय कर सकती है। तो ऐसे में समीकरण जो है वो इतना आसान नहीं है। समीकरण थोड़ा सा उलझा हुआ जरूर है, लेकिन इसको टीम इंडिया सुलझा सकती है। कैसे सुलझा सकती है? नामीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करे, फिर टीम इंडिया की नजर जो होगी वो होगी अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मुकाबले पर। और अगर उस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को मात दे देगी और टीम इंडिया का रन रेट अगर न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान से बेहतर होगा, तभी टीम इंडिया जो है वो सेमीफाइनल का टिकट कटा पाएगी। लेकिन इस जीत के बाद टीम इंडिया की राह थोड़ी सी ही सही लेकिन आसान जरूर हुई है, क्योंकि टीम इंडिया के खाते में 2 अंक जुड़ गए हैं। टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में जीत का खाता खोल लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले दोनों मुकाबलों में क्या टीम इंडिया बड़ी जीत दर्ज कर पाएगी, नामीबिया और स्कॉटलैंड को बड़े मार्जिन से हरा पाएगी, क्योंकि अगर टीम इंडिया इन दोनों टीमों को बड़े मार्जिन से हराएगी तभी नेट रन रेट जो है वो बेहतर होगा और तभी टीम इंडिया के सेमीफाइनल के दरवाजे जो हैं वो खुले रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुकाबला होगा 7 नवंबर को अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का, जिस पर सभी भारतीय फैंस की निगाहें जो हैं वो टिकी होंगी। इनफैक्ट पूरी दुनिया इस मुकाबले को टकटकी लगाए देखेगी और सभी भारतीय फैंस ये चाहेंगे कि अफगानिस्तान की टीम उस दिन न्यूजीलैंड को मात दे दे और टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल की राह को आसान कर दे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा News24 स्पोर्ट्स पर। हम कॉन्ट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News24 स्पोर्ट्स।